गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे आप सब? आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप दीपावली का टाइम आने वाली है और हम सब कर रहे हैं साफ सफाई घर की। तो ये देख लीजिए, रिया है, वो अभी से स्वेटर पहन के घूम रही है। दोस्तों को बोलो हेलो नमस्ते, बोलो हेलो दोस्तों नमस्ते। देख लीजिए दोस्तों, इसका फ्रॉक कैसा लग रहा है, काफी पुराना है पर अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो देखा देते हुए मैं आप सभी को, देख लीजिए किस प्रकार से सब फैला पड़ा है, सामान वगैरह अंदर की सब सफाई कर रही हूँ, बिल्कुल गंदे पड़े हैं। तो यह आज मैं बेड की सफाई कर रही हूँ और मेरा जो मसाले के डब्बे है वो सब धुल गए। हाँ बाबू, तो रजाई वगैरह कुछ धूप वगैरह मैं लगा के सबको तय लगा के रख दूंगी। तो यह कुछ मेरा साड़ी वगैरह पुराना बक्सा सब है, देख लीजिए इस प्रकार से दीपावली की साफ सफाई हो रही है। आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी कैसे साफ सफाई करते हैं। और ऊपर भी काफ़ी छज्जा वगैरह को सफाई करने हैं, बिल्कुल लंबा टाइप का मेरा रूम है। और जाले वगैरह वो सभी सफाई कर दिए मैंने आज। और आज है करीब आज 5 तारीख है। ये देख लीजिए मेरा बाबू है, छोटा बेबी, ये भी झाड़ू लगा रहे हैं। लक्की झाड़ू लगा रहे हो तुम? देख लीजिए हमारा नन्हा सा बेबी बड़ा हो गया है, साफ सफाई करवा रहा है। मम्मा झाड़ू लेके ये भी काम करने में लग जाता है अच्छे से, है ना बेटा? हाँ, बोलने की कोशिश तो हो रही है खूब। बाबू हेलो बोलो, हेलो दोस्तों, झाड़ू लगा रहा है। चलिए बाकी का काम करते हैं। मैंने सभी साफ सफाई कर लिए थे दोस्तों और अभी सुबह का टाइम है और मैं झींगा फ्राई कर रही हूँ। देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज में झींगा है। इसकी जो प्राइस है वह 700 रुपये किलो है। तो ऊपर का जो हार्ड कवर होता है वो मैंने छुड़ा दिया है। दूसरी तरफ हमारी मिक्स दाल है, बन रही है। आज हमारे घर में खाना बनेगा दाल चावल और झींगा फ्राई। तो देख लीजिए दोस्तों यह कितना बड़ा अमरूद है। तो यहाँ अभी मेरी सासू माँ खरीद के लाई है, तो चलिए इसको पहले कट कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड जी कट कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। यहाँ रिया भी है, बैठी हुई है खाने के लालसा में, और लक्की भी देख सकते हैं कैसे भाग दौड़ कर रहा है। तो देखने में तो काफ़ी सुंदर और बढ़िया लग रहा है अमरूद। अब देखते हैं चखे कि किस प्रकार का लग्स का टेस्ट है। तो दोस्तों आज मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी सामान मंगवाया था, तो इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। देख सकते हैं दोस्तों मैं अमरूद खा रही हूँ और बहुत ही बढ़िया और सचमुच खाने में अच्छा और टेस्टी था। बट हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है, पर ये भी अलग स्वाद के अनुसार अपना बढ़िया ही है। तो दोस्तों मैं सारा अब जो फिश है वह ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी झींगा फ्राई। तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रहा था खाने में। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए आप सभी कि आप सभी अपने अपने घरों में साफ सफाई कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हो गया है और कितने दिन पहले करते हैं। तो दोस्तों हम तो एक हफ्ता पहले से स्टार्ट किए थे साफ सफाई करने में। मेरा मन था कि हमारा भी घर हो, पेंट हो जाए, पर क्या करें, रेंट पे रहते, पेंट नहीं करवा सकते। अगर करवा भी लिया तो उसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा उस, और उतना है जो मकान मालिक शायद ना माने, इस वजह से हम पेंट नहीं करवा रहे हैं। तो बस अपना जो एक्स्ट्रा है घर का साफ़ सफाई वगैरह वो सब कर लूँगी। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर तड़के लगाने की तैयारी हो रही है। हमारे देवरानी जी है, वह छिलका उतार रही है लहसुन की और मैं दाल घाट रही हूँ, क्योंकि मिक्स दाल है, काफ़ी समय लग गया इसको पकने में, तो इसको घाट लूँगी अच्छे से तो ये बारीकी से पीस जाएंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा हुआ है, झींगा फ्राई हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर झींगा फ्राई हो चुका है, मैंने सभी मसाले डाल दिए और हमारा झींगा फ्राई रेडी है। तो दोस्तों आइए हमारे घर झींगा फ्राई दाल चावल खा लीजिए। यह खाना हमने पहली बार बनाया है। आशा है कि आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब